हेलो एवरीवन, आप अगर ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी रेमेडीज फॉलो करते हैं तो कोरियन स्किन केयर या फिर ग्लास स्किन के बारे में तो सुना ही होगा। पर डॉल्फिन स्किन अभी एक नया टर्म आया है जो ग्लास स्किन का ही नाम है, पर एक बेटर वे में। स्किन जब बहुत ही ज्यादा ल्यूमिनस और ग्लिसनिंग होता है तब उसे डॉल्फिन स्किन कहते हैं। सी मैमल्स के स्किन कैसे सुपर रेडियंट होता है, ये डॉल्फिन स्किन भी ऐसा ही है। आप इसे कोई भी मेकअप, डीवी वेट मेकअप के साथ आप इसे पा सकते हो। पर आप अगर एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो डॉल्फिन स्किन आप अचीव कर सकते हो। एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन, ये दोनों में बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आप किस किस वे में डॉल्फिन स्किन अचीव कर सकते हो। हमें रेगुलरली स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहिए। एक्सफोलिएट करने के लिए आप कोई भी जेंटल फिजिकल एक्सफोलिएटर यूज कर सकते हो। इससे स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट और स्मूथ होता है। डॉल्फिन स्किन पाने के लिए आप कोई भी हाइड्रेटिंग क्लींजर यूज कर सकते हो। डबल क्लींजिंग कोरियन स्किन केयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्किन जब डर्ट, ऑयल या डेड स्किन से फ्री होगा तभी ये बहुत ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर पाएगा। इसके बाद आता है सीरम। आप हाइलुरोनिक एसिड इन्फ्यूज सीरम यूज कर सकते हो। ये इंस्टेंट स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर भी लॉक करता है। कोरियन स्किन केयर में एसेंस भी यूज होता है एक एक्स्ट्रा हाइड्रेशन लेयर के लिए। कोरियन स्किन केयर रूटीन में जो इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा यूज होता है वो है चेरी ब्लॉसम। ये स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इसके साथ स्किन को एक पीची ग्लो भी देता है। आप इसके साथ 2 ड्रॉप्स रोज ऑयल मिला लीजिए। ये बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और चिपचिपा भी नहीं रहता है। सनस्क्रीन आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपके स्किन को सूट करे, पर SPF यूज करना मस्ट है। आप इसके बगैर स्किन केयर रूटीन कम्प्लीट नहीं कर सकते। आप एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो, जोजोबा ऑयल, रोजिप ऑयल। पर अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन है तो फिर आप ये स्टेप स्किप करेंगे। इसके साथ आपको एक हेल्दी डाइट लेना है और लॉन्ग ब्यूटी स्लीप लेना है। तो फिर आप ये सारे टिप्स फॉलो कीजिए जिससे आपको डॉल्फिन स्किन मिल सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाना, और ऐसे दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय।